अब ये बन गई है फ्लैट। हट जा। ये मल्टी प्रेस है, अभी इसको हम इंक्लाइन चेस्ट प्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मल्टी प्रेस है हमारी, अभी ये इंक्लाइन चेस्ट प्रेस है। अभी हमने सीट एडजस्ट कर दी है, इसकी शोल्डर के इसमें आ गई है, हमारा ये भी एडजस्टेबल है। शोल्डर लगानी है हमें, तो इसको यहाँ से हम फिर लूज करेंगे, हैंडल यहाँ ले आएंगे या और इसे भी ले सकते हैं। पहले पॉइंट पे लाना बेटा, पहले पॉइंट पे लाना, हमें शोल्डर मांग रहे हैं और ऊपर ला बस, और यहाँ से इसको टाइट कर देना है थोड़ा सा। ये भी मशीन हमारी दो तीन तीन पार्ट में आएगी। रेड पार्ट में हमें ये ब्लैक पार्ट लगाना है, ये सपोर्ट्स पे लगा दी और इस सपोर्ट को इस फिर में लगाना है, मशीन पूरी खड़ी जाएगी। उसके बाद फिर हमें इसमें ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये लगाना है, उसके बाद फिर हमें ये हैंडल लगाना है। हैंडल पूरा एडजस्टेबल है, इसे 5 मोमेंट है, अगर आप शोल्डर या कुछ लगाते हैं तो इससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार ये सीट है, इसकी सीट में एक लगा हुआ है कैचर, कैचर के थ्रू सीट्स को आप बहुत सारे इसमें मूवमेंट्स हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट करने के लिए, शोल्डर करने के लिए वो आप इसमें कर सकते हैं। एडजस्टेबल है, इसे वे पिन द्वारा निकाल के यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा लेग एक्सटेंशन हो गया, ये कैसे लगा हुआ है इसमें, इसे हम नीचे करेंगे। यहाँ पर रोकना मार सकते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, अब ये लेग कर लो हो गया। आपको और पीछे करना है, आप कैचर द्वारा इसे पीछे कर सकते हैं, बहुत सारे इसके अंदर यहाँ पे होल्स हैं। ये भी आपका एडजस्टेबल है, इसको भी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको भी हम अपने हिसाब से, सारे से मूवमेंट्स हैं, इस सीट को भी अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं इस वेट पिन के। सिंपल वायरिंग है इसकी, वेट से शुरुआत होगी हमारी, यहाँ ऊपर पुली में जाएगी, पीछे पुली में आएगी, एक पुली से होता है सीधा यहाँ आ जाएगी, इसके अंदर इससे ही यहाँ आकर इसमें आ जाएगी। मशीन भी हमारी दो पार्ट में आएगी, बस हमें क्या करना है, रेड पार्ट को ब्लैक पार्ट से वहाँ से इसको फिट करना है, उसके बाद फिर इसमें ये लगाना है, देन से सीट लगानी, फिर बाकी के हमें प्लेट्स वगैरह लगानी है, अटैचमेंट्स लगाने हैं। ये आपका डंबल स्टैंड है, इसमें आपको बस ये दो एंगल यहाँ लगानी है, बस अलग उधर लगानी है, ऐसे अच्छे लगानी है, पूरा आपका ये नंबर स्टैंड इंस्टॉल हो जाएगा। शाबाश, थक गया था ये अब। तुसे क्या तो लौंडे हैं हमारे, मारे आ रहे हैं अभी हैं भाई। बस की वायरिंग इस तरह होगी, ये यहाँ इसमें क्लिप में
वायर को लॉक करना है। यहाँ से ये वायर इस तरह गया, यहाँ गया, इधर गया, ये नीचे आया बेट में, बेट से फिर दोबारा पड़ जाएगा इस तरह खूब पर ऊपर होता हुआ, ये यहाँ आके इसमें निकल जाएगा। दोनों ही वायर हमारे इसी प्रकार चलेंगे, पीछे से आएंगे इधर इधर, नीचे से निकल के इधर बेट में, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा और ऊपर ऊपर से ही होके हमारा इसमें आ जाएगा। ये दोनों हमारे एडजस्टेबल है, इसको आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा दो पार्ट में आएगा, जो ब्लैक वाला पार्ट है जो सिंगल पीस है, आपको इसमें ये चिनअप यहाँ से लगाना है दो बोल्ट से, एक सपोर्ट नीचे लगानी है इधर इधर बोल्ट से, और एक सपोर्ट इसमें ये डाली है हमने हैवी करके, ये लगानी है, और एक सपोर्ट हमने इसमें यहाँ डाली है, ये आप खड़ा हो जाएगा। स्मिथ के जो रॉड्स हैं वो ऐसे लगानी है, एक बोल्ट में ऊपर है और एक बोल्ट इसी अनुसार इसमें नीचे है। ये ग्लास डालने हैं, रॉड ये ग्लास रिमूवेबल होते हैं, इस बोल्ट से आप खोलेंगे ये ग्लास रिमूव के बाहर निकल जाएगा। रॉड तो आपको इसके अंदर डालना है दोनों तरफ से, और बाद में ग्लास को इसी बोल्ट से कस देना है। आपको बटिंग बैच होगा, ये वन पीस का कुछ नहीं करना, आपको रॉड चैन वन पीस है, प्लेट चैन वन पीस है, फूल भी आपका वन पीस है। ये आपका इस तरह है, ये ब्लैक वाला हमें रेड पार्ट में लगाना है उधर, ये पूरी सपोर्ट इसमें यहाँ लगानी है, और ये यू इसमें यहाँ लगाना है, इसको हमें इस तरह। ये आपका एडजस्टेबल है, ये निकल सकता है। निकाल दो पूरा, निकाल पूरा निकाल दो, हट जाओ। ये आपका पहला बार डिप्स हो गया, ये कुछ नहीं करना, बस ये आपका सपोर्ट्स लगानी है आपको, तीन, वन टू थ्री, आपका ये पूरा खड़ा हो जाएगा। ये चीज आपके डस्टेबल है, यहाँ से भी हो जाएगी, डिप्स हो जाएगी नीचे वाले भी। ये हमारा चार पांच मशीन आएगी, ऐसे तो पिलर होंगे ब्लैक वाले, इसके हमें ये हैंडल लगाने हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये सपोर्ट्स हैं, एक वहाँ लगानी है इस तरह, तीन सपोर्ट्स हैं इसमें, और एक ये पूरा सा सीट लगी हुई है, इस सिंगल पार्ट में आएगा, इसको आपको इस पर सपोर्ट्स लगाकर लगाते हैं, सबसे आखिर में आपको ये हैंडल लगाना है सबसे लास्ट। हट जाओ। ये आपकी इंक्लाइन ऑफ शोल्डर्स के लिए, ये आपकी इंक्लाइन हो गई, इधर करो, ये आपकी फ्लैट हो गई, और ये आपकी डिक्लाइन। ये वन पार्ट में आए, कुछ नहीं करना, सीट्स लगानी इसके अंदर आपको, फ्लैट कर बेंच, बस आपको ये रिमूव करना है, यहाँ लगाएंगे ये फ्लैट हो जाएगी, अब रख के दिखाओ, डिक्लाइन कर दे इसको, इसको निकाल देंगे, नीचे रख देंगे, ये डिक्लाइन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बेंच आपकी इस तरह आएगी, दो पिलर्स आएंगे ब्लैक कलर के, इसमें आपको ये दो सपोर्ट लगानी है नीचे, और ये ब्लैक कलर पार्ट्स में इसमें सीट लगी हुई है, आपकी बेंच फिट हो जाएगी।
हट जाओ। सीट दोनों हमारी एडजस्टेबल है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। ये तीन पार्ट्स में है, ये अलग मिलेगा आपको, ये अलग मिलेगा। हमें इसको इसमें यहाँ जोड़ना है और इसको इसी में ही लगाना है और ऐसे ही नीचे लगाना है, हमारे पैटर्न खड़े हो जाएंगे। ये वायर इस तरह चलेगा, इसके अंदर जाएगा वायर, यहाँ से पुलीज है इसके अंदर, यहाँ भी पुलीज है और यहाँ से ये निकल के सिंपल वायरिंग है, यहाँ दोनों तरफ से। जिसकी वायरिंग है, ये वायर अच्छा आया इसमें गया, ये वायर यहाँ से आया, बस आपको ये दो पार्ट्स में है एलर्ट ऑन रोइंग हमारी, बस ये बोल्ट लगाना है आपको और ये नीचे वाले बोल्ट लगाने हैं, आपके लिए पुल डाउन सॉल्व हो जाएगी।